हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी। और आज की कहानी है परी और जादुई रुमाल। गंगा किनारे एक गांव में मिष्टी नाम की एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। मिष्टी बहुत समझदार थी। वह अपनी माँ की हर काम में मदद करती थी। उसके पिता खेती बाड़ी करते थे। उनका घर सकुशल चल रहा था। मिष्टी हमेशा परियों की कहानियां पढ़ती रहती थी और परियों की दुनिया के बारे में ही सोचती रहती थी। काश मैं भी परियों से मिल पाती, उनके साथ खेल पाती, कितना मजा आता। वह हर रोज रात के समय अपनी माँ को परियों की कहानियां सुनाने को कहती थी। उसकी माँ जब उसे परियों की कहानी सुनाती थी तभी उसे नींद आती थी। एक दिन उसके पापा और उसकी मम्मी से बात कर रहे थे। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, बहुत नुकसान हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मिष्टी मम्मी पापा की बातें सुन लेती है। वे बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, काश मैं अपने माता पिता की मदद कर पाती। एक दिन मिष्टी अपने माता पिता के साथ गांव से बाहर एक मंदिर में जाती है। वे लोग मंदिर में दर्शन करके वापस अपने गांव के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में मिष्टी सुंदर तितलियों को देखती है। वे उनके पीछे भागने लगती है और अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। तितलियों के पीछे भागते भागते वे एक सुंदर बगीचे में पहुँच जाती है। बगीचे की सुंदरता को देख कर मिष्टी को एहसास ही नहीं होता कि वे अपने माता पिता से बिछड़ गई है। शाम हो जाती है। मिष्टी बगीचे के अंदर जाती है। बगीचे का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन बगीचे में से सुंदर फूलों की महक उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। वो उनकी तरफ खिंची चली जाती है। तभी उसे एहसास होता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मेरे माता पिता मेरी चिंता कर रहे होंगे। मुझे तो घर जाने का रास्ता भी नहीं पता। अब मैं घर कैसे जाऊं? वे बहुत डर जाती है। तभी अचानक उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जो उसी बगीचे की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर वे डर जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वे पेड़ के पीछे से देखती है कि वे चमकती चीज जमीन पर उतरती है। अरे ये चमकती हुई चीज क्या है? वे कोई और नहीं बल्कि एक सुंदर परी थी। ये देखकर वे बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे ही एक एक करके बहुत सारी परियां वहां आ जाती हैं। उन परियों के हाथों में बहुत कीमती कालीन होते हैं और कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर आती है और उस कालीन पर रख देती है। तभी एक बहुत ही सुंदर परी वहां आती है और उस सिंहासन पर बैठ जाती है। वे उन परियों की मुखिया थी। मिष्टी ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसका परियों से मिलने का सपना पूरा हो जाता है। तभी रानी परी एक परी को कुछ कहती है और वो परी मिष्टी की तरफ आती है। मिष्टी ये देखकर घबरा जाती है। वे परी मिष्टी के पास आकर कहती है, मिष्टी घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो, रानी परी ने तुम्हें बुलाया है। वे डरते हुए रानी परी के पास जाती है। रानी परी उसे अपनी गोद में बिठाती है और उससे कहती है, मिष्टी डरो मत, मैं रानी परी हूँ। तुम तो हमें रोज याद करती थी ना, हमसे मिलना चाहती थी ना, हमारे साथ खेलना चाहती थी ना, तो फिर अब डर क्यों रही हो? आओ खेलो हमारे साथ। ये सब सुनकर मिष्टी बहुत खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वे परियों के बीच में है। वे उनके साथ बहुत देर तक खेलती है और खूब मस्ती करती है। तभी उसे याद आता है, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे जल्द ही घर पहुँचना होगा, मेरे माता पिता मेरी चिंता कर रहे होंगे। उसे परेशान देखकर रानी परी उससे पूछती है, क्या हुआ मिष्टी, तुम परेशान क्यों हो गई? मैं मंदिर से वापस आते हुए अपने माता पिता से बिछड़ गई थी, वो परेशान हो रहे होंगे,
मुझे उनके पास जाना है, मुझे घर जाना है। मिष्टी, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें पहुंचा देंगे, पर अभी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? मदद? और वो भी मुझसे? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमें गंगा जल चाहिए अपनी दादी परी को छुड़वाने के लिए। दादी परी? क्या हुआ उन्हें? उन्हें एक जादूगर ने कैद कर रखा है और उन्हें छुड़वाने के लिए हमें गंगा जल चाहिए, वो भी उस इंसान के हाथों जो नेक दिल और सच्चा हो। तुम एक सच्ची इंसान हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करो। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मेरा गांव गंगा किनारे ही है, मैं आपको गंगा जल दे सकती हूँ, पर उसके लिए आपको मुझे मेरे घर पहुँचाना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से अपने घर का रास्ता नहीं मालूम। रानी परी उसे उसके गांव ले जाती है और मिष्टी उसे गंगा जल दे देती है। रानी परी खुश होकर मिष्टी से कहती है, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो मिष्टी, लो मैं तुम्हें ये रुमाल देती हूँ। ये कोई मामूली रुमाल नहीं है, ये जादुई रुमाल है, तुम हमेशा इसे अपने साथ रखना, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। धन्यवाद रानी परी, मगर क्या हुआ मिष्टी, अब उदास क्यों हो? क्या अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? मिष्टी, वैसे तो हम हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने आएंगे, और अगर कभी किसी मुसीबत में हो तो इस रुमाल को देखकर हमें याद करना। ऐसा कहकर सभी परियां गायब हो जाती हैं और मिष्टी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।